अस्सलाम वालेकुम बस, मेरा नाम असलान शिरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं कोरल ड्रा ग्राफिक्स X7, जिसका आज लेक्चर नंबर 41 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं जी फ्लो चार्ट शेड्स टूल क्या होता है, क्या काम करता है। तो अगर आप अपने टूल बार में आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 9वें नंबर के ऊपर पॉलीगोलन टूल मिलेगा, ठीक है। और अगर आप पॉलीगोलन टूल का ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको इसके नीचे और भी टूल्स नजर आएंगे, जिसके 8वें नंबर पर आपको नजर आएगा फ्लो चार्ट शेप टूल, ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर एरो शेप टूल था और ये फ्लो चार्ट शेप टूल का आज का लेक्चर है, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी मेन्यू बार बिल्कुल व्यूअर्स उसी तरह है जैसे कि बेसिक शेप टूल की थी और एरो शेप टूल की थी, ठीक है। और यहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स यानी कि आपके बने हुए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपको कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा अगर आपको कोई अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, या असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उसके काफ़ी तरह की चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, उनको आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ये है, ठीक है, तो अगर आप इसको फ्रीली ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे मर्जी इसको फ्रीली ड्रॉ भी करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसके चारों कॉर्नर बिल्कुल इक्वल हों तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल इक्वल आ रहा है। अगर आप चाहते हैं सेंटर से ये ड्रॉ हो तो आपने कंट्रोल के साथ अपने कीबोर्ड से शिफ्ट भी प्रेस करना है तो ये देखें बिल्कुल सेंटर से, और मैं शिफ्ट छोड़ता हूँ ये बिल्कुल एक साइड से, तो आपको फ़र्क पता चल गया होगा। उसके बाद व्यूअर्स आप इसमें कलर जिस तरह से मर्जी फिल कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर कलर फिल करें, उसको आउटलाइन दें, ठीक है, उसके आउटलाइन को आप इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कलर कोई और होता, यहाँ पर कलर कोई और होता और यहाँ पर कलर कोई और होता, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, जिसके साथ हम बिल्कुल खुली सीख सकेंगे, तो यहाँ से आपको एक टूल मिलेगा इंटरेक्टिव फिल टूल, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बाद में भी इंशाल्लाह सिखाऊंगा, सॉरी इंटरेक्टिव फिल टूल नहीं है, ये है स्मार्ट फिल टूल। स्मार्ट फिल टूल को आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपके पास एक इस तरह से यानी कि प्लस का निशान आएगा, तो ये देखिए। उसके बाद आप जैसे ही इसको यानी कि यहाँ पर करते हैं तो ये चारों कॉर्नर पे हो गया। अब आप एक कॉर्नर को सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई कलर दे दीजिए, यहाँ पर ये कलर, यहाँ पर ये कलर और यहाँ पर ये कलर दे दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको सिलेक्ट करके साइड पे करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए, अगर मैं इसको बाहर लाऊं तो ये देखिए सारी की सारी चीज़ें इसकी अलहदा अलहदा हैं, ठीक है। जो हमने शेप ड्रॉ की थी वो अलहदा थी और ये अलहदा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह स्मार्ट फिल के टूल के बारे में मैं आपको डिटेल से भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आप इसके साथ यानी कि और भी क्या क्या कर सकते हैं। अगर मैं शिफ्ट पकड़ के इन चारों को ड्रॉ करता हूँ तो ये देखिए, मैं इसको साइड पर लगा के अगर इसको मैं कर, ये देखिए आप इस शेप टूल को आप ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसको मुकम्मल सेलेक्ट करके आप इसको यूज़ करिए अलहदा अलहदा कलर्स के साथ, ठीक है। इसी के साथ आप इसको एक और शेप, हम इसकी शेप देख लेते हैं, ठीक है, वन बाय वन इनके ऊपर सबको पर ट्राई कर लीजिए। अगर आपको कहीं पर वॉल्यूम बनाना है, ठीक है, तो वॉल्यूम भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके आउटलाइन को आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसके आउटलाइन भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये भी है हमारे पास और ये भी है, ठीक है, तो इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और व्यूअर्स टूल है जो काफ़ी यानी कि अट्रैक्टिव टूल है, ये आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसको ड्रॉ करने के बाद अगर मैं यहाँ पर ला कर, तो इसके अंदर भी आप जैसे चाहे कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। और कलर फिल करने के बाद अगर आपने इसको जिस तरह से भी ड्रॉ करना है, जहाँ भी यूज़ करना है, कर सकते हैं। और अगर यहाँ से आप स्मार्ट फिल टूल को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आप इन चारों में, तीनों में सॉरी, अलग अलग कलर्स फिल कर सकेंगे। आपने एक को सिलेक्ट करना है, उसमें एक कलर कर देना है, दूसरे को सिलेक्ट करके उसमें कलर और चौथे को सिलेक्ट करके उसमें कलर, ठीक है। उसके बाद अपने कीबोर्ड से शिफ्ट पकड़ के एक को प्रेस करना है, फिर दूसरे को और फिर तीसरे को, और उसके बाद आप इसको साइड में निकाल लीजिए, ये शेप अलग हो गई। और इसके साथ अगर आप इसको नीचे ऊपर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आ रहा है तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा, ठीक है, कंट्रोल पेज डाउन, ठीक है। ये भी जैसे ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो अगर मैं इसको भी कम करना चाहता हूँ, कंट्रोल पेज डाउन, ठीक है, तो ये इसके नीचे चला गया, यानी कि इसमें फ़र्क आ गया। अगर आपको इतने यानी कि ये बाहर नहीं चाहिए, इतने चाहिए, तो आप इस तरह से इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ भी आ चुका होगा। व्यूअर्स, जो बकाया इनके टूल्स हैं आप उनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, जो जो आपको चाहिए उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, उसको ड्रॉ करके आप उसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो इसके अलावा बस अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है, lastlookproductions.blogspot.com हमारी वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर आकर आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आ जाएंगे। यहाँ कोरल ड्रा के लोगों पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारा कोरल ड्रा का इंट्रोडक्शन पेज आ जाएगा।
यहाँ पर इसकी तमाम की तमाम इंट्रोडक्शन दी गई है, और आपको एक कोडरा के वाले से एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी दी गई है। अगर आप हमारे न्यू विजिटर इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं तो हमारी इस वीडियो को मस्त देखिएगा। इसको देखने से आपके कोडरा के वाले से बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस डाउनलोड नाउ के बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोडरा का कोई भी सॉफ्टवेयर वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से आप जौन सा भी लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं, यहाँ से बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सिखाया गया, ठीक है, तमाम लेक्चर्स हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टैब में वो वीडियो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको हमारे YouTube चैनल पर यहाँ पर एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का, ठीक है, तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने तमाम के तमाम कोर्सेज कंप्यूटर के हवाले से, एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से और सॉफ्टवेयर्स के हवाले से वीडियोस अपने YouTube चैनल पर भी अपलोड करते रहते हैं। तो आपको हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाई ईमेल पहुँच जाया करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एंटर योर ईमेल एड्रेस। अगर आप बिल्कुल यानी कि फर्स्ट पे यानी कि जैसे आप पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी ईमेल लिख देनी है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करेंगे। आपकी ईमेल के ऊपर आपको छोटी सी नोटिफिकेशन आएगी, आप उसे अप्रूव कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो व्यूवर्स इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आज के लेक्चर के वाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स।